संगी संगवारी हो, दाई दीदी बहनी, आप मन के बीच में परिंदा म्यूजिक ग्राम चकले के शानदार प्रस्तुति जे मैं आप मन के बीच में ग्राम सकल लिया ले प्रदीप राठिया और साथी के साथ में बासन कैना के जन्म कथा आप मन के बीच में आ से जेकर म्यूजिक देखे हमर क्षेत्र के जाने माने उभरते हुए आर्गन मास्टर दादू जी, आशा रखत हन ये गीत आप मला जरूर पसंद आई। आवा प्रस्तुत है बासन कैना के ये जन्म कथा, बोलिए कैसो माता की। एक कथा बांस की कथा है और बांस के का चीज नहीं बना थे हमर जीवन के का कड़ी बना थे जिला हमर पौराणिक कथा के अनुसार में बासन कैना के नाम से हम जानते हैं। और आज बासन कैना के जन्म गिरी पर्वत में हुई से और आज मेघ राजा है वाला गोरस भी इन्हें पवन देव है सुंदर मजा के झूलना झूलने और बासन कहना के बचपन रही वो कपड़ा पहनी ने और जैसे मस्त जवानी आई है आज बासन कहना के कपड़ा उतर गए है और बासन कहना के कपड़ा उतरे है और मस्त जवानी है ओकर आगे का हुई आवा आप मल्ला गीत के माध्यम से सुना, बोलिए कैसो माता की।
पहुँचना। आद्यगन गुरु है, मन में विचार करते और दिल में वो गिरी पर्वत के सुरता करी ने, और गिरी पर्वत के सुरता करके आज गुरु महाराज है। कंधा में सोन के टंगलील लत्तीन है और पैर में चंदन खड़ाऊ पहन करके आज वो गिरी पर्वत की ओर जात हैं। और गुरु है हालत झूलत रेंगना रेंगा थे भैया, और एक पाँव आगे बढ़ने दूसर पाँव आगे बढ़ने और ऐसे तीसर पाँव जब आगे बढ़ें गुरु महाराज है घना अमरैया में पहुँची ने। आज गुरु महाराज है बारह बरस ले रेंगनाला रेंगा थे, आज धीरे धीरे हालत झूलत आज गुरु महाराज है कहाँ पहुँच गए भैया, जहाँ बासन कैना के जन्म रहे आज वही गिरी पर्वत में पहुँचे हैं। और पहुँच करके अब बासन कहना करा का करत है आवा, एक गीत के माध्यम से सुना। बोलिए कैसो माता की
संगवारी हो, आज गिरी पर्वत में भाषण कहने के पास जब पहुंची, आज गुरु महाराज है सुंदर मजा के किंदर किंदर के बाल छाटीन है और छाट करके पेड़ वाला काटीन और टीपला छीन करके बीच के जो बने रही आज वाला सुंदर सूत्री बरोबर फाड़ करके आज बीड़ा बने हैं और बीड़ा बना करके आज गुरु महाराज है देगुन गुरु है आज सुंदर अपन के खान में बहो करके अपन के अखाड़ा की ओर आते हैं और हमार गुरु भाई है आज गुरु महाराज के रास्ता देखा थे और रास्ता देखत रहे वही समय में आज गुरु महाराज है बांस लबो करके हालत झूला था आज घर पहुंची ने और जैसे घर पहुंची ने आज नोनी गुरु आइन भाई है बांस के थारी में सुंदर मजा के आरती करी ने और आरती करके पानी दे करके आज गुरु महाराज ने कहे कि हे गुरु महाराज अपन के घर की ओर चलो और जैसे आज गुरु महाराज है अपन के घर ल घुसी ने और घुस करके आज मांझा घर में है आज वो बांस लमड़ाई ने और मढ़ा करके अब गुरुवाइन भाई का करत है आवा गीत के कड़ी में सुना बोले कैसो माता की लाडू आपन के गुरु लाता दे बर लागे
ओ बासन कैनाला आज गुरु महाराज है कंधा ले उतार करके घर में रखी ने और नोनी गुरुवाई ने सुंदर मजा के आज भोजन बने ने और भोजन बना करके तैयार करी ने आज आखिरी कुंदरू के सब्जी बनाई ने और सुंदर सब्जी बना के तैयार हुई ने और आज भोजन तैयार करके आज लोटा में पानी धर करके आज गुरु महाराज ने कहते हैं कि हे गुरु महाराज ये लोटा के पानी ले धरा और चला भोजन करिया आज सुंदर मजा के चौकी आसन लगा करके गुरु महाराज ने बैठारी ने और भोजन करवा थे आज गुरु महाराज है पांच कांवरा धरती लदीन है संगवारी हो पांच कांवरा आकाश लदीन है और फिर गुरु महाराज पांच कांवरा आज भोजन प्राप्त करेने और भोजन प्राप्त करके आज गुरु महाराज बड़ा आनंद हुई है और भोजन प्राप्त करे के बाद में बड़ा आनंद हो आनंद होकर के आज गुरु महाराज है गांजा भांग धतूरा के आज सेवन करी ने और मस्त मगन होगी ने और कब विचार करते गुरु महाराज आवा गीत के कड़ी में बोले कैसो माता की
बना।
संगवारी हो, आज गुरु महाराज देगुन गुरु महाराज हैं, गांजा भांग धतुरला पीकर के मस्त मगन हुई हैं और मस्त मगन हुई हैं ससुर लमय निकाकर वो कर्रा बुढ़ा के आवाज कर्रा बुढ़ा के सुरता करके आज देगुन गुरु हैं अपन के कंधा में वो वासन कहना ला उठा करके बारह बरस रेंगना रेंगी रेंगते रेंगते आज कर्रा बुढ़ा के घर पहुंची कर्रा बुढ़ा के घर पहुंचे कथे कर्रा बुढ़ा आज कर्रा बुढ़ा गुरु महाराज ने देख के प्रणाम करी ने और प्रणाम करके तो फिर गुरु महाराज का हो गए और एक बासन कहने ला कैसे बहु के मोर यहाँ पहुंचे हा वही समय में आज देगुन गुरु है कथे कि हे कर्रा बुढ़ा ए बांस के आज से हमला बारह जोड़ा सूपा बना दे मोर घर में बारह जोड़ा चेला है ऐसे प्रकार से आज गुरु महाराज है अपन के अखाड़ा के बात ला आज कर्रा बुढ़ा ला कहने और कर्रा बुढ़ा बात ला सुन करके आज गुरु महाराज ला प्रणाम करके बहुत जल्दी आज बारह जोड़ा सुपा ला तैयार करी है सुपा तैयार करके आज देगन गुरु ला कथे कि हे गुरु महाराज आपके कथन अनुसार में बारह जोड़ा सुपा तैयार कर दे हूँ ये सुपा ला स्वीकार करा आज गुरु महाराज है वो बारह जोड़ा सुपा ला धर करके अपन के घर आई है और घर आ करके अपन के बारह चेला ला हाथ पारी है बारह चेला ला बुलाए लगी है आज धीरे धीरे करके गुरु महाराज का आवाज ला सुन करके बारह चेला है गुरु महाराज के घर पहुंची है और गुरु महाराज ला कहे के हे गुरु महाराज हमारा का कारण बनाया है काबर बनाया है कर भेद ला बताई है आज है देगुन गुरु है उमर ला कहते हैं कि बेटा देख तुमन में बासन कहना के मैं बारह जोड़ा सुपा ला आन के दे हुए सुपा ला तुमन धरा और बारह जोड़ा सुपा ला आज गुरु महाराज है अपन के चेला में बहाटीन है और चेला मला धरा करके बारह जोड़ा के सुपा धर करके अब गुरु महाराज का करी आप मल्ला बासन कहना भाग दो में कथला आप मल्ला सुनाबो और आशा रखा था मैं गीत आप मन जरूर पसंद आई सो ही अगर एक कथा आप मन ला पसंद आई से तो हमारे चैनल ला लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया और कमेंट करिया ताकि आप मन ला भाषण कहना भाग दो कथा हम बहुत ही जल्दी सुना सकी और बूढ़ी माता जन्म कथा भाग दो ला भी आप मन के बीच में बहुत जल्दी प्रस्तुत कर बो और यही आशा के साथ विश्वास के साथ आप मल्ल विदा ले थी बोले कैसो माता की बोले बासन कहना की बोले गुरु महाराज की बोले अपने अपने माता पिता की।